कोरोना के वजह से पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार फैला है, तो आए दिन डॉक्टरों के नासमझी के वजह से या उनके गलतियों के वजह से मरीज मर रहे हैं। कल देखा जाए तो थाने में वेदांत अस्पताल में चार लोगों के बाद उनके परिजन ने आरोप लगाया था कि डॉक्टरों के वजह से ही उनके परिजनों की मृत्यु हुई थी। तो वही आज हम खड़े हैं थाने के वागले स्टेट स्थित लोकमान्य हॉस्पिटल के यहाँ, और यहाँ भी एक ऐसा मामला हुआ है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर की वजह से एक पेशेंट की मृत्यु हो गई। हमारे साथ हैं परिवार के लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है। मामला मेरा भाई काम पे गया था, उसके बाद में जो हमारे इधर दवाखाना उधर से दवाखाने से आया तो डॉक्टर बोले इधर लोकमान्य हॉस्पिटल में लेके जाओ, उधर से आके इधर से चल के इधर आया, फिर उधर बैठा, उधर बैठ के बाद में अंदर चला गया। तो मैडम लोग और डॉक्टर तो एक ही डॉक्टर, फिलहाल एक ही डॉक्टर था, उसने ट्रीटमेंट किया, ECG भी निकाला। उसके बाद में वो एक सिस्टर थी, वो सिस्टर ने एक इंजेक्शन मारा और दो गोली दिया, और मेरा जो छोटा भाई था, वो मेरा बड़ा भाई बोला था, वो मेरे को थोड़ा पानी पिला, मेरे मुँह में गोली है करके उसको गोली दिया। तो जो डॉक्टर लोग हैं उनने बोला थोड़ा बाहर निकलो ऐसे किया। उसके बाद में थोड़े टाइम रुके तो डॉक्टर जी बाहर आए और हम लोग को बोले कि आपका भाई नहीं रहा, डॉक्टर के वजह से लापरवाही वजह से हो गए। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहोगे? गुना दाखिल होना चाहिए। सुना आपने कि किस तरह से लोगों का आरोप है कि डॉक्टर की गलतियों से वजह से आए दिन लोग मरते नजर आ रहे हैं। देखिए आरोप लगाया है उनके परिजन ने कि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, वो भी ऐसे नर्स से जो नर्स अभी सीख रही है, ना उसका GNM कंप्लीट है ना NM कंप्लीट है। हमारे साथ है यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है जो इस वक्त मौजूद है और इस मामले में इन्होंने दखल दिया है। क्या कहेंगे सर, आए दिन इस तरह से हादसे हो रहे हैं, कल वर्तक नगर में हादसा हुआ, आज लोकमान्य हॉस्पिटल में हादसा हुआ, क्या कहेंगे आप और क्या मांग करेंगे प्रशासन? मेरे एक ही मांग है, सब हॉस्पिटल जितने हॉस्पिटल में अभी जो घटना घड़ी है उनके ऊपर केस दाखिल होना बनता है, और जो पेशेंट मृत्यु पाए उनको मदद एक मिलना बनता है, इतनी मेरी ख्वाहिश। अभी जो शिकाऊ सिस्टर है उन्होंने इंजेक्शन देने का अलाउड नहीं है, तो डॉक्टर लोग ने इंजेक्शन दिया नहीं, उसको बताया इंजेक्शन देने का, उसके इंजेक्शन देने के बाद में आधा एक घंटे के बाद उनकी मृत्यु पा गई। सुना आपने कि इन्होंने भी यही कहा कि आए दिन जो नर्स सीख रही हैं उनको अच्छा नॉलेज नहीं है, उनको डॉक्टर आखिर किस तरह से छूट दे रहे हैं कि वो मरीजों को ट्रीटमेंट करें, क्योंकि कहा जाए तो डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर का इस मामले में क्या कहना है। बता दें कि लोकमान्य अस्पताल सावरकर नगर में है और आए दिन इस अस्पताल का कुछ न कुछ नया मामला आता रहता है, और सूत्रों की माने तो इस अस्पताल में इलाज करने वाले ज्यादातर डॉक्टर BMS किए हुए हैं जो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। सवाल यह है कि क्या थाने महानगर पालिका इस अस्पताल के सभी दस्तावेजों की जाँच कर कार्रवाई करेगी। लोकमान्य हॉस्पिटल में मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर भी है, यहाँ पे आरोप लगा है कि डॉक्टरों की वजह से एक पेशेंट की डेथ हुई है, क्या मामला है, क्या जानकारी है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आप नाम बताइए और क्या मामला है पूरा। मिश्रा इसका हॉस्पिटल का पार्टनर हूँ, और हमारे पास में आज सुबह के टाइम में एक पेशेंट चेस्ट पेन का आया, छाती में दर्द की शिकायत और घबराहट और पसीना ये लक्षण लेके, जिसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल में बेड न होते हुए भी हमारे पास ICU की फैसिलिटी है, बस उसमें पेशेंट पूरे भरे हुए थे, उनको बताया कि हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्होंने फिर भी बोला कि इतना दिन हमारा क्या करें। उसके बाद में छाती का ECG वगैरह जो प्राथमिक वो होना चाहिए ECG निकाला, उसमें जो अटैक आता है अटैक के जैसे उसमें से मतलब जो है आने छाती के इसमें ECG में, और उसके बाद में जो प्राथमिक गोलियाँ और दवा देना चाहिए वो दिया गया, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनकी जो है मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो लीगल प्रोसीजर्स है जो अपने यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोसीजर्स हैं कि भाई ऐसे जो है मरीज का जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम के बाद ही अपने को कारण जो है क्या है उसका कॉज ऑफ डेथ अपने को मालूम पड़ेगा। तो हमने वो जो बॉडी है उसको सिविल में जो है भेज दिया है, अभी उसका पोस्टमार्टम के बाद उसका कंक्लूजन आएगा। हमने अपने तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो ECG था, जो भी दिया गया, MLC का लेटर जो भी लिखना चाहिए,
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का क्या है, सारा चीजें उनको एक्सप्लेन करके दे दिया। हमारे यहाँ की जो कैमरे की सीसीटीवी फुटेज है जो हम दे सकते थे, इमीडिएटली हमने कैमरे वाले को बुला के वो भी दे दिया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन सर आरोप लग रहा है, सर आरोप लगाया जा रहा है परिजनों, जो परिजन है जिसका डेथ हुआ है, कि मतलब कोई नर्सेस है जो सीखी पड़ी नहीं है, सारी सीखी हुई नर्सें हैं, पुलिस वालों को बताया गया है। उसमें ट्रेनिंग स्टाफ भी एक था, दो डॉक्टर की मौजूदगी में जो है उसमें जो है ट्रेनिंग सिस्टर भी है और ट्रेनिंग सिस्टर भी है, सारे लोग वहां मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ही सारा जो है प्रोसीजर किया गया है। और जो भी कॉरपोरेशन रहेगा, हम जो है रिपोर्ट आने के बाद में जो भी पुलिस वालों ने किया है, हमने अपना डायरेक्ट नंबर भी दिया है, हॉस्पिटल का भी कंसर्न नंबर दिया है, जितने भी कॉरपोरेशन हो सकेगा हम उसको करेंगे। तो सुना आपने, लोकमान्य हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि उसके ट्रीटमेंट के साथ डॉक्टर के साथ नर्स भी थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट थे, क्या नर्स स्पेशलिस्ट थी, या फिर वही बीएमएस डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही की और इस मरीज की जान चली गई। देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और क्या नया खुलासा होता है। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं